हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश में पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, फन टाइम, यानी यहाँ फन टाइम है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, वो हम करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक, यानी आप कितने वर्ड्स बना सकते हो यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स। ये जो इस वर्ड से, यानी इस हिपोपोटेमस वर्ड से, है ना, इस हिपोपोटेमस वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो चलो हम इनके हिपोपोटेमस वर्ड्स के लेटर को यूज करके इनके वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैट यहाँ बनाया गया है, और सेकेंड वर्ड्स हम बनाएंगे पॉट, पी ओ सॉरी, ये थर्ड पे है, सेकेंड सेकेंड पे हम लिखेंगे पॉट, पी ओ टी पॉट, ये हमने बना लिया पी ओ टी पॉट। ओके, फिर थर्ड है हम बनाएंगे टी ओ पी टॉप, तो टी थर्ड हमने बनाया टी ओ पी टॉप। ओके, ये बना दिया हमने टॉप। अब फोर्थ वाला बनाएंगे हम सम, अस यू आर सम। ओके, फोर्थ है ना, फोर्थ वर्ड्स बनाया हमने सम। अब फिफ्थ वर्ड्स बनाएंगे हम शॉप, इसका लेटर का यूज करके, अस एच ओ पी, अस एच ओ पी शॉप, ये हमने फिफ्थ लेटर्स बना दिया। ओके, अब सिक्स लेटर बनाएंगे हम टी ए पी टैप, टी ए पी टैप। तो हमने हिपोपोटेमस वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके हमने ये सिक्स वर्ड्स बना दिए। ओके बच्चों, अब सेकेंड वर्ड से सनफ्लावर, सनफ्लावर्स में फर्स्ट वर्ड बना है फ्लो, अब सेकेंड वर्ड हम क्या बनाएंगे, फ्लो लो, एल ओ डब्ल्यू लो। थर्ड वर्ड बनाएंगे हम फ्लावर, एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। ओके, फ्लावर। फोर्थ वर्ड बनाएंगे हम लोअर, एल ओ डब्ल्यू ई आर लोअर। ओके, फिफ्थ वर्ड बनाएंगे हम सन, एस यू आर सन। और सिक्स वर्ड बनाएंगे हम फ्लो, एस एल ओ डब्ल्यू फ्लो, एस एल ओ डब्ल्यू फ्लो। तो सनफ्लावर से हमने ये सनफ्लावर्स वर्ड्स के लेटर से हमने ये सिक्स वर्ड्स यहाँ पे बना दिए। ओके बच्चों, अब सेकंड है, सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सर्कल द नेम ऑफ द थिंग्स दैट यू टेक विथ यू टू स्कूल। यानी कि सर्कल द नेम ऑफ थिंग्स, हमको उन थिंग्स पर सर्कल करना है दैट यू टेक विथ यू, जिसको आप अपने साथ स्कूल ले जाते हो, है ना, जिसको आप अपने साथ स्कूल ले जाते हो। तो बच्चों, आप अपने साथ स्कूल में क्या ले जाते हो, बुक। तो ये बुक्स पे हमने सर्कल किया, बुक्स ले जाते हो ना अपने साथ में, शार्पनर, शार्पनर ले जाते हो ना अपने साथ में पेंसिल को छीनने के लिए। अब पेज नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पेज नंबर 16 में हम देखेंगे आइसक्रीम, लंच बॉक्स और पेंसिल। तो आप स्कूल में क्या ले जाते हो साथ में, एक तो लंच बॉक्स, दूसरा पेंसिल। तो ये सर्कल कर दिया हमने, और इनमें हम क्या ले जाते हैं स्कूल में साथ में, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो ऑलरेडी स्कूल में होता है, लेकिन हम अपने साथ में क्या ले जाते हैं, एक तो इरेजर और एक वाटर बॉटल अपने साथ में ले जाते हैं। ओके, आप इसमें हम साथ में क्या ले जाते हैं, रूलर, रूलर जिसको आप स्कूल पट्टी बोलते हो, टूथब्रश नहीं ले जाते, कंपास बॉक्स ले जाते हैं,
ना अपने साथ, अपने बैग में कंपास, बुक और रूलर ले जाते हो ना। अब इसके अंदर हम क्या ले जाते हैं? स्कूल बैग। स्कूल बैग हाँ अपने साथ में ले जाते हैं जब स्कूल जाते हैं तो। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 16। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 17। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द सेंटेंस गिवन इन द बुक। हमको जो ये पिक्चर है उसको डिस्क्राइब यानी उनको डिस्क्राइब करना है, समझाना है, और यूजिंग द सेंटेंस गिवन इन द बुक, ये जो सेंटेंस यूज किए गए हैं ये बॉक्स में, जो सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंस का यूज करके हमको इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है। ओके बच्चों, तो देखिए ये बॉय है वो क्या कर रहा है? ये बॉय है वो एक ट्री पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्लाइंबिंग ट्री। सी आर, यहाँ पे फर्स्ट का क्या ये आएगा? फर्स्ट का सी एल आई एम बी आई एन जी, क्लाइंबिंग ट्री। ओके, सेकेंड में ये जो गर्ल है वो अपने हेयर पर कॉम कर रही है, मतलब बाल बना रही है अपने। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉम्बिंग हेयर, सी ओ एम बी आई एन जी, कॉम्बिंग हेयर। कॉम्बिंग हेयर मीन्स बाल बना रही है। द गर्ल इज कॉम्बिंग हेयर, जो गर्ल है वो अपने बाल बना रही है। थर्ड में देखिए जो बॉय है वो ब्रश कर रहा है, मतलब टूथब्रश कर रहा है। तो यहाँ पे टूथब्रश का है ब्रशिंग टीथ, क्या कर रहा है? ब्रशिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ब्रशिंग, ये वाला है ना थर्ड में, ये वाला ब्रशिंग, बी आर यू एस एच आई एन जी, ब्रशिंग टीथ, टी डबल ई टी एच, ब्रशिंग टीथ। ये हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रशिंग टीथ। फोर्थ में देखिए ये जो गर्ल है वो अपना फेस को वॉश कर रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वॉशिंग फेस, है ना फोर्थ वाला, इसमें ये लिखेंगे वॉशिंग फेस, डब्ल्यू ए एस एच आई एन जी, वॉशिंग फेस। ओके, फिफ्थ में देखिए ये जो लड़की है, गर्ल है, वो क्या देख रही है? टीवी देख रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वॉचिंग टीवी। ये फिफ्थ में ये वाला लिखेंगे वॉचिंग टीवी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉचिंग, डब्ल्यू ए टी सी एच आई एन जी, वॉचिंग टीवी। ओके, सिक्स्थ में देखिए ये गर्ल क्या कर रही है? ये क्लैपिंग कर रही है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लैपिंग हैंड्स, यहाँ तो से ताली बजा रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये रहा क्लैपिंग, सी एल ए डबल पी आई एन जी एच ए एन डी, हैंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एल ए डबल पी आई एन जी, क्लैपिंग हैंड। ओके, है ना, जो गर्ल है वो ताली बजा रही है ना, अपने हाथों से ताली बजा रही है। तो ये कर दिए हमने पिक्चर्स को डिस्क्राइब, हमने कर दिया है। ओके, जो इस बॉक्स में जो वर्ड्स, जो इस बॉक्स में जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके द्वारा हमने इस पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर दिया। ओके बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को हम पढ़ेंगे। और आपको ये है ना एक्सरसाइज अपनी वर्क बुक में पेज नंबर 15, 16 एंड 17 अपनी इंग्लिश की वर्क बुक में, इंग्लिश की वर्क बुक में आपको ये पेज नंबर करने हैं और ये एक्सरसाइज करनी है। ओके बच्चों, देन टिल स्टे होम, स्टे सेफ।